शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मंदिर में ज्योति सी चंदन की खुशबू बसी है सांसों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। हिरनी सी चंचल है, तितली सी कोमल है, सोने के पंखों से उड़ी आकाशों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाले महलों की। रानी अच्छा बेटा तू आ गई। जी तेरा बेटा खुश रहो। और भी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आओ आओ। चलो बेटा। चीची चीचू हमें तो मायने बोला कि कोई सरप्राइज है, कि आप लोगों को भी यही कह के बुलाया। जीते रहो बेटा, you're looking fit, हाँ? बैठो बैठो, अरे प्लीज सिट बैठो। रानी बहुत ख्याल रखती है ना राज का, तो फिट तो लगेगा ही। माई अब और कोई बातें नहीं, बस हमें बताइए सरप्राइज क्या है। शालिनी बता दो। चीची माई ठीक है, पहले तो मुंह मीठा कर लो। राज तुम भी मुंह मीठा करो। मुंह मीठा तो मतलब खबर मीठी होगी। हाँ बहुत मीठी है, तुम मौसी बनने वाली हो। कंग्रेचुलेशन जीजू। वैसे माई एक बात बताएं, पापा हमारी तो मायके में भी और ससुराल दोनों में हमारी पदवी बढ़ने वाली है। यहाँ पे हम मासी बन रहे हैं और वहाँ हम चाची। शालिनी बेटा ऐसे कहो कि अब वो तुम्हें भी मौसी बना दे। बिल्कुल। आपने कोमल जीजी और शीतल जीजी को फोन किया? हाँ बेटा, शीतल को तो मैंने फोन कर दिया। कोमल जीजी को हम फोन करते थे। जीजी क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? आप
मुझे अपने पास रखेंगे ना मामा, अब उस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। क्या 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 कर रही है? इधर आ, तू बैठ चले। अच्छा इसको बिठाओ, इधर इधर बैठो बेटा, बैठो बेटा, पानी दे दो। भाई जा बैठ। क्या क्या हुआ बेटा, तू उस घर में क्यों नहीं रह सकती? बोल ना बेटा, क्या हुआ है? बेटा बोल। अच्छा ले पानी पी, पानी पी आराम से। क्या हो गया बेटा, यूं अचानक तू ऐसे, क्या हुआ है? अचानक नहीं पापा, आप सब लोग से छुपाया और आप ही छुपाती। अगर वो लोग क्या हुआ कोमल, ऐसी क्या बात हो गई, प्लीज बताओ। जीजी, जब मम्मी डैडी दोनों को पता चला कि पापा का बिजनेस लॉसेस में है, तो उन दोनों का रवैया मेरे प्रति बिगड़ता गया। हमारी शादी को बस कुछ ही समय हुआ था, लेकिन धीरज और मम्मी जी ने मुझ पर बच्चे के लिए प्रेशर डालना शुरू कर दिया। मम्मी जी, ये पापा ने भिजवाया है दशहरे की मिठाई और आपके लिए साड़ी। देखिए जी, ये क्या है? त्योहार की मिठाई और मेरे लिए ये सारी। कोमल, तुम अपने पापा से कह दो कि हमारे लिए इतनी तकलीफ ना उठाए। वैसे भी उनका हाथ इतना तंग है, तो क्यों हम पर इतना खर्च कर रहे हैं? उसे तो अच्छा होता कि तू हमें पोते आने की खुशखबरी देती, लेकिन वो तो तू देने से रही। अब इसका क्या करें? कांता बाई, ओ कांता बाई। जी मैम साहब। ये लो, बहू के महके से तुम्हारे लिए साड़ी आई है। ये लो। ये मिठाई भी दे दो उसे। हाँ हाँ रुको, ये लो तुम्हारे लिए मिठाई। मुझे, लेकिन धीरे धीरे खाने पर भी रोक टोक। और फिर उसके बाद बात बात पर हाथ उठाने का सिलसिला शुरू हो गया था। तेरी सास ने तुझ पर हाथ उठाया? जी जी, एक बार नहीं कई बार उठाया। कुछ दिनों की बात है, उस दिन हमारे घर में कुछ मेहमान आए थे और पता है भाभी, हमारे जीजा जी के यहाँ बच्चा हुआ, उसके नामकरण में तो खूब धमाल की, इतना खर्चा किया कि अरे वाह, अब इतने सालों के बाद बच्चा हुआ है तो खर्च तो करना ही पड़ेगा ना। और आपके यहाँ कब आ रहा है पोता? हम तो भगवान से रोज प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें भी जल्द ही पोते का मुंह दिखाएं। अच्छा बुआ, अब हम चलते हैं, कितनी देर से यहाँ बैठे हैं। आपके यहाँ आते हैं तो उठने का मन ही नहीं करता है। चलिए।
ओके बाय कोमल बाय। देखा सुना अब रिश्तेदार भी ताना देने लगे हैं कि कब होगा पोता कब दोगी न्योता। अब ऐसे क्या घूर घूर के देख रही है तू मुझे? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगी? नहीं मम्मी जी, मैं तो बस यूं ही आपको जबान लड़ाती है। एक तो कंगाल के घर से आई है और ऊपर से पेट से भी कंगाल है। अब तक एक पोता भी नहीं दे पाई। अकेली पड़ गई थी मैं उस शहर में। उस नए शहर में मेरी जान पहचान का भी कोई नहीं था और जिन लोगों को मैं जानती थी उन लोगों से भी मिलने के लिए मेरे घर वाले ने मना कर दिया। और ऊपर से मेरे चरित्र पर उंगलियां। पहले तुमने ये सब क्यों नहीं कहा? क्यों चुप रही? मैं किसी को अपने दुख बताना नहीं चाहती थी कि बाबू को मेरी वजह से कोई भी तकलीफ हो। I'm sorry पापा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं उन लोगों को अपना नहीं पाई। मैं हार गई पापा, मैं हार गई। समझ में नहीं आ रहा तुम पर इतना अन्याय होता है और धीरज कुछ नहीं बोला ये सब देखकर। अभी तुम तो जानते हो धीरज तो वही करता है जो उसकी मम्मी जी कहती है। आप ठीक कह रही है जीजी, कल तो उस घर में सारी हदें पार हो गई। क्या इसको इसको बच्चा नहीं हो सकता? ऐसा कहा है डॉक्टर ने। हे भगवान, अब हम कभी पोते का मुंह नहीं देख पाएंगे। नहीं ऐसा नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि फिलहाल कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं और बच्चा कंसीव करने के और भी तरीके हैं। जैसे? जैसे कि डॉक्टर कह रहे थे टेस्ट ट्यूब बेबीज। पागल हो गई हो क्या? हमें कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए धीरज का बेटा। लोग जिसे धीरज का बेटा और हमारा पोता कहे। तो फिर मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जो भी करेंगे हम करेंगे। अब मैं धीरज की दूसरी शादी करूंगी। तुम ठीक कह रही हो बीवी, वैसे भी अमृतलाल मेरे बहुत पीछे पड़ा अपनी बेटी को लेकर। 9 करोड़ रुपए देने को तैयार है वो। 9 करोड़ रुपए
माँ दूसरी शादी और माँ कोमल उसका उपाय मैंने सोच लिया है। ये पेपर्स पर साइन करो। पेपर्स डिवोर्स पेपर्स हाँ चल साइन कर यहां। नहीं मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी। कैसे नहीं करेगी? तेरा और धीरज का रिश्ता खत्म हो चुका है। हम तुम्हें अपनी बहू नहीं मानते। नहीं मम्मी जी प्लीज मैं नहीं मम्मी जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। प्लीज मम्मी जी ऐसा मत कीजिए। धीरज तुम कुछ बोलो ना। धीरज तुम कुछ बोलने क्यों नहीं हो? मम्मी जी प्लीज मम्मी जी मैं आपके बहुत बढ़ती मम्मी जी प्लीज प्लीज देखिए ऐसा मत कीजिए। मम्मी जी प्लीज मुझ पर यह न्याय मत कीजिए। प्लीज मेरे पापा ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमने तुम्हारे पापा का कोई ठेका नहीं ले रखा है। चल यहाँ साइन कर दफा हो जा इस घर से। नहीं मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। मैं क्यों जाऊं? मैं धीरज की पत्नी हूँ। इसी बात का तो दुख है। तुम यहाँ साइन करो और प्लीज छुटकारा दो हमें। धीरज क्या तुम भी मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो? हाँ बोलो। नहीं ये सरासर अन्याय है। सरासर अन्याय। क्या तुम भी इसमें शामिल हो? नहीं प्लीज मुझे ऐसा धोखा नहीं। मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। मैं तलाक नहीं दूंगी। नहीं दूंगी। नहीं दूंगी। ये क्या कर रही है तू? जबान लड़ाती है क्या कर रही है तू? तुम क्या समझती हो कि डिवोर्स के पेपर फाड़ने से मैं तुम्हें इस घर पर रहने दूंगी? Not fair. ये तो सरासर अन्याय है। हाँ पापा, और इस अन्याय को हमें चुपचाप नहीं सहना चाहिए। कोमल, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। पापा, कोमल, आप लोग फिक्र ना करें। हम लोग जाके धीरज से बात करेंगे, समझाएंगे उसे, है ना राज? हाँ पापा, हम जाएंगे धीरज के पास और फिर सोचेंगे कि क्या फैसला करना है। चलिए हम लोग अभी आते हैं।